रिपोर्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ, मैं अनामिका। बात की जाए आरजेडी के, तो आरजेडी के 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायक बेटिकट होने वाले हैं। जी हाँ, बिना टिकट के होने वाले हैं। इस बार चुनावी गणित बदल गया है। जेडीयू के साथ गठबंधन की वजह से जिन विधायकों की जीत हुई थी, उन्हें इस बार आरजेडी बदल सकती है। कई विधायकों से लोग नाराज हैं और उन्हें सबक सिखाने की ठान चुकी है। एक ऐसे ही आरजेडी के केसरिया से विधायक हैं डॉक्टर राजेश कुमार। राजेश कुमार हाल ही में भगवान शंकर के बारे में अभद्र टिप्पणी करने को लेकर के लोगों के निशाने पर आ गए थे। लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था और उनकी विधायकी की मांग आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से की थी। डॉक्टर राजेश कुमार के ऊपर कोई कई जो है वो गंभीर आरोप लगे हुए हैं। अब उनकी पार्टी के समर्थक ही उनके ऊपर फर्जीवाड़ा का आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि उनके निजी सहायक राम बाबू ने उनके नाम पर बहुत लोगों को छला है, यानी कि फर्क क्या है। विधायक विकास निधि के पैसे से काम में धांधली और ठेकेदारों से वसूली के आरोप लग रहे हैं। एक ठेकेदार ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर सिटी पोस्ट लाइव को बताया कि विधायक निधि केवल 3 करोड़ रुपए का है, लेकिन विधायक ने उससे कई गुना ज्यादा रकम का काम देने का आश्वासन देकर ठेकेदारों से एडवांस में कमीशन वसूल लिया। ये सारा का सारा फर्जीवाड़े का काम उनके निजी सहायक राम बाबू ने किया है। जी हाँ, राम बाबू जेल भी जा चुके हैं। कुछ ऐसे ठेकेदार भी हैं जिनका आरोप है कि विधायक ने पार्टी के राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी के फर्जी लेटर पैड पर करोड़ों रुपए के सांसद निधि का फंड क्षेत्र के विकास के लिए दिए जाने का दावा करके कई ठेकेदारों से काम देने के नाम पर लाखों रुपए कमीशन वसूल लिए हैं। ये फर्जीवाड़ा का काम भी विधायक के निजी सहायक ने, ये निजी सहायक ने ही किया है। बाद में जब उन्होंने अपने पैसे की मांग की तो चेक दे दिया, जो अचानक बैंक में भुराए नहीं जा सके। आपको बता दें कि पार्टी के सूत्रों के अनुसार ये तमाम शिकायतें पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव तक पहुंच चुकी है। उन्हें ये पता है कि विधायक ने बहुत ही ज्यादा गड़बड़ झाला किया है और क्षेत्र की जनता उनसे बेहद नाराज है। सूत्रों की माने तो इस बार विधायक जी को बेटिकट कर देने का पार्टी ने मन बना लिया, यानी कि उन्हें कोई टिकट नहीं देने का पार्टी ने मन बनाया है। वैसे भी डॉक्टर साहब इस बार टिकट मिल जाने पर भी चुनाव जीतने वाले नहीं है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत।